दोस्तों आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है सूर्य सिंह और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल यूनिक चैनल। दोस्तों एक और न्यू एक्साइटेड वीडियो के साथ मैं आपके साथ आ गया हूं। तो दोस्तों आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि मैं किस चीज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों एक्चुअली मैंने एक ट्राइपॉड मंगाया भाई, कहीं से लेके आया था, किसी मार्केट से लाया था, और भाई मैंने किसी साइड से नहीं मंगवाया, कोई फ्लिपकार्ट कोई अमेजोन से कहीं से नहीं मंगाया, क्योंकि यार वहां पर बहुत ही ज्यादा हैवी रेट थी, चीप प्राइस में मैंने उसको वहां से मंगवाया है, मतलब मंगवाया कि मैंने खुद जाके वहां से लिया ये। तो भाई मैं जो आपको दिखा देता हूँ गोरिल्ला ट्राइपॉड है वो एक्चुअली, ठीक है, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास भाई ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई, ये रहा गोरिल्ला ट्राइपॉड है मेरे पास, तो ये देख रहे हो, निकाल लेते हैं इसको। तो देखिए ये मेरे पास ट्राइपॉड है। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो ट्राइपॉड पहले वाला जो था ना, जो मैं जिस पे वीडियो शूट करता था, ब्लॉगिंग करता था, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग ज्यादा करता हूँ भाई, और मैं टैग के बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो ज्यादातर मैं कभी बाहर निकलता हूँ तो घूमने घामने जाता हूँ, तो मैं ब्लॉगिंग शूट करता रहता हूँ, तो मुझे उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड बहुत छोटा था, मिनी था, तो उससे सही से शूट नहीं हो रहा था और गिर जाता था बार बार फोन मेरा। तो मैंने ये मंगवाया भाई, कहाँ से मंगा मैं आपको बता दूँ, कहाँ से मंगाई, चांदनी चौक से मैंने वहाँ से परचेज किया, वहाँ से लिया है वहाँ जाके, क्योंकि मैंने बहुत सारे साइडों पर देखा था ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा भाई हैवी प्राइस था उसमें, क्योंकि 1200-1300 ऐसा कुछ था, और मैंने इसको कितने में मंगाया मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत ही चीप प्राइस में ये। तो चलो भाई इसकी बात कर लेते हैं, जिसमें जो इसके कितनी वेट है, क्या है, क्या नहीं, कितने का है, जो भी आपको दिखाता हूँ। इसका नाम जो लिखा हुआ है यहाँ पे फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड है जो लिखा हुआ है, और वाई फ्लिक, और जिसमें जो मूव है DSLR कैमरा, जो भी आप इसमें यूज कर सकते हो लगा सकते हो। तो मेरे पास जो कैमरा है वो मैं आपको दिखा दूंगा, लगा के दिखाऊंगा आपको, प्रॉपर दिखाऊंगा आपको। जो मेरे पास GoPro का एक कैमरा है वो भी आपको लगा के दिखाऊंगा अभी इसमें, ठीक है। तो भाई इसमें जो वेट है मैं आपको स्क्रीन में भी आपको दिख जाएगा इसमें क्या क्या है, तो मैं आपको दिखा दूँगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो हम इसको साइड में रख लेते हैं। तो जो ट्राइपॉड की बात करते हैं, चलो ठीक है, फिर इसमें क्या क्या फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको जैसे मर्जी आप इसको मूव कर सकते हो, जैसे मर्जी किसी चीज़ में भी, साइकिल बाईसाइकिल में, जहाँ मर्जी इसको लगा सकते हो आप, ठीक है, ऐसा है। तो हमें उसके ऊपर दो इसमें ऑप्शन दे रखे थे, मुझे बहुत ही बेस्ट लगा इसका। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम इसके ऊपर की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल है, ये दो लगाने का सिस्टम है, जैसे आपका कभी ये टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आप यहाँ पे भी इसको लगा के, या कुछ भी DSLR कैमरा कुछ भी लगा के आप इसे शूट कर सकते हो, ऐसे करके शूट कर सकते हो। और ये सब इस पर थोड़ा बैटर अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, तो हम इसको लगा के फिर दोबारा मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है, वो भी लगा रखी है, तो मुझे बैटर लगा। और जब मैं शूट करता हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ अपना कैमरा इसमें लगा के, आपको दिखा देता हूँ कैमरा, ठीक है। तो मेरे पास कैमरा जो GoPro वाला, जो मैंने इसकी भी अनबॉक्सिंग कर रखी है, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग करके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके इसको देख लेना, ये वाली वीडियो आपको मिलेगी जरूर, तो ठीक है। तो मेरे पास जो ये कैमरा है, जो DSLR जो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ उससे करता हूँ, ठीक है, और मेरा दूसरे जो कैमरा DSLR कैमरा उससे भी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो ज़्यादातर इसी से करता हूँ। तो उस पर देखो कैसा लगेगा, कैसा इसका मतलब लुक लगता है, कैसा लगता है, ठीक है। तो इसको हम लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसको हम खोल लेते हैं थोड़ा, इसको मैं ये क्योंकि लूज हो रही है तो मैं इसको थोड़ा टाइट कर लेता हूँ, तो मैंने इसे हल्की से लूज़ कर रखा टाइट करके। और जो मेरा कैमरा है आप देखिए, मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको लगाता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा, तो प्रॉपर देखना कैसे लगा रखा मैंने। तो भाई मैंने कैमरा लगा दिया है, और जो ये देख रहे हो कैमरा, और ये थोड़ा ढीला है, बहुत ढीला है, तो इसको थोड़ा यहाँ से आप टाइट कर सकते हो, तो जैसे कोई ब्लॉगिंग करोगे शूट करोगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ भी, ठीक है। तो भाई मैं जब भी शूट करता हूँ ऐसे शूट करता हूँ, जब भी वीडियो शूट करता हूँ, मैं आपको कभी वीडियो शूट कर मतलब वो एडिटिंग कर वीडियो बना के दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से वीडियो शूट करता हूँ, वो भी आपको कभी दिखाऊंगा। तो ऐसे मैं लगाता हूँ, और मैं भी बता देता हूँ, नॉर्मल सी बात है, ऐसे करता हूँ। और जब भी मेरी वीडियो शूट होती है तो ऐसे क्लियरिटी होती है, थोड़ा मेरा फेस मतलब हेड के तौर पर नहीं होती, थोड़ी ऊपर ही होती है मेरा फेस, तो इसमें प्रॉपर मेरे को मेरा जो दिखता है, मेरा फेस दिखता है, ऐसे दिखता है। तो मेरा तो भाई स्क्रीन उस तरफ दिखेगा, और मेरा जो कैमरा है वो मेरे फेस पर दिखेगा। तो इसको थोड़ा ऐसे मूव कर लेते हैं, तो मैं ऐसे मूव कर लेता हूँ, और मैं ऐसे शूट करता हूँ वीडियो को अपनी, ठीक है, ऐसे से मेरी शूट होती है, तो आपको दिखेगा भी, देखो अब अच्छा भी लग रहा होगा आपको ऐसे। मैं ऐसे शूट करता हूँ, थोड़ा मूव करके शूट करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉपर मेरा हाथ में से पूरा बैठ जाता है, क्योंकि इसके अंदर ब्रल्स इसमें दे रखा है ना आपको, यहाँ पे दिख रहे हो, मतलब ये फिसलता भी नहीं है, कहीं से भी फिसलता नहीं है, बहुत ही प्रॉपर ये हाथ में फिक्स हो जाता है, ना कहीं गिरेगा आपको, ऐसे से जैसे मर्जी कर सकते हो, जिसको लगा सकते हो। जब भी मैं कहीं वीडियो दूर से शूट करता हूँ तो उसको स्टैंड से लगा देता हूँ, और भाई वीडियो प्रॉपरली मेरे को बहुत ही क्लियरिटी बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि आप वीडियो में देखते हो कि किस तरह से मैं शूट करता हूँ, मेरा प्रॉपरली मेरा फेस दिखता है इस पर। ऐसा कुछ है भाई, आप मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी वीडियो में, फ्यूचर में कभी ऐसा होगा तो भाई प्रॉपर ये पता बहुत टाइम तक चलने वाली चीज़ है भाई, कभी सोच अपने पास आपको केयर करना है, किस तरह से किसी को केयर कर सकते हो, 4-5 साल आपको आराम से टिक से चलेगा, बट इसको भाई कहीं गिरा दिया टूट गया तो टूटने वाली चीज़ नहीं है यार, वो रियली बात है, बट थोड़ा सा ये डैमेज होता है, वैसे बहुत ही हार्ड चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मेरे को भाई आप मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी वीडियो शूट करने में,
तो मुझे यही बताना था। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना भाई, ठीक है। और आप हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में आपको घंटी का ऑप्शन है उसे प्रेस कर लेना। इससे ये होगा कि जो हमारे लेटेस्ट वीडियो या न्यू वीडियो होगी ना, आपको जल्दी जल्दी आपको मिलेगी और आप देख सकोगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके।